रिपब्लिक भारत आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। राहुल गांधी जी को कूड़ेदान का बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक ऑर्डिनेंस कूड़ेदान में फेंक दिया था फाड़ के। वो कूड़ेदान मास्टर है, वो किसी को भी कूड़ेदान फेंक सकते हैं। सनातन को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं, हिंदुत्व को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं, वो इस देश को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं। राहुल गांधी तो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं, और वो उनका अगर मौका मिलता है तो शरद पवार जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव जी, ममता जी, इनको किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। राहुल गांधी जी को कूड़ेदान का बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक ऑर्डिनेंस कूड़ेदान में फेंक दिया था फाड़ के। ऑर्डिनेंस को फाड़ा और कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने 13-14 सालों में पूरी पार्टी को कूड़ेदान में फेंक दिया, पूरी कांग्रेस को कूड़ेदान का हिस्सा बना दिया। कांग्रेस के जितने बड़े बड़े सीनियर नेता थे, जो इंदिरा जी के साथ थे, राजीव जी के साथ थे, सोनिया जी के साथ थे, उन सबका इलाज कर दिया, उनको भी कूड़ेदान में फेंक दिया। तो राहुल गांधी जी का वश चल है तो इस देश को कूड़ेदान फेंक सकते हैं। तो राहुल गांधी जी के इस बयान पे और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो कूड़ेदान मास्टर है, वो किसी को भी कूड़ेदान फेंक सकते हैं। सनातन को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं, हिंदुत्व को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं, वो इस देश को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं। कांग्रेस के सभी नेता कहेंगे कि देखो बीजेपी की सीटें 400 नहीं आई, 325 आई हैं। बीजेपी को हमने 400 सीटों पे जाने से रोक दिया, ये 300 पार हुई है, इसमें खुशी मनाएंगे। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छे हैं। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक शुबा ही नहीं है, इसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, चाहे वो राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे सनातन का मुद्दा हो, चाहे वो राम का मुद्दा हो, चाहे गरीब का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भारत को और ताकतवर बनाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का मुद्दा हो, भारत की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। बड़ी गलतफहमी में है सब, देश की जनता भारत को जोड़ने वालों की, भारत को ताकतवर बनाने वालों की, अखंड भारत बनाने वालों की, पीओके को भारत का हिस्सा बनाने वालों की सरकार बनाने जा रही है। भारत को तोड़ने वालों की सरकार न बनी है न बनेगी। जो लोग भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हैं, भारत की जनता उनकी सरकार नहीं बनाएगी। भारत की जनता उनकी सरकार बनाने जा रही है जो पीओके को भी भारत में लाएंगे। अखंड भारत बनाने वालों की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। राहुल गांधी तो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं, और वो उनका अगर मौका मिलता है तो शरद पवार जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव जी, ममता जी, इनको किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। अगर राहुल गांधी जी का वश चले तो वो किसी अपने नौकर को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू किया। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि एक साल के अंदर भारत का नंबर वन चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की, वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की जरूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने सोचा था
कि अर्णब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्णब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूं।